आपको कोई भी काम करते वक्त आलस आता है? इसे कैसे दूर करें? आइए जान लेते हैं वीडियो के द्वारा। फर्स्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप 18 प्लस हो तो खुद की जिम्मेदारियों को समझो। अपने आप से ये वादा कर लो कि आज से मैं बैठे बैठे नहीं खाऊंगा, मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगा, मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सेकंड, अपने ब्रेन को समझाओ। आपका ब्रेन वहाँ पर ज़्यादा जाता है जहाँ पर उसे मज़े आते हैं और वहाँ पर वो आलस नहीं फील करता है। सो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि आपको अपना माइंड ज़्यादा कहाँ चलाना है, कहाँ नहीं चलाना है। थर्ड, गोल सेट करना। एक बार जब आप अपना गोल सेट कर लेते हो कि आपने फ्यूचर में क्या करना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे आपकी सफलता के रास्ते और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। फोर्थ, काम में इंटरेस्ट पैदा कीजिए। जो काम इंटरेस्टिंग होते हैं आपका माइंड वहाँ पर ज़्यादा जाता है और वो काम बोर भी नहीं करता है, ऐसे आपको आलस भी नहीं आएगा। सो जो काम आप करना चाहते हो उसे इंटरेस्टिंग तरीके से करिए ताकि उसमें आलस ना आए और आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। फिफ्थ, टालना छोड़ दो। आप जो काम करना चाहते हो उसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करने की कोशिश करें, लेकिन कल्पना छोड़ें, ऐसे वो काम बोरिंग लगने लग जाएगा और आपका उस काम में इंटरेस्ट भी पैदा नहीं होगा। सो कल्पना ना टाले कोई भी काम। सिक्स, 6 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। आलस को दूर और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 6 से 8 घंटे की नींद लेना सबसे ज़रूरी माना जाता है। सेवन्थ, योगा मेडिटेशन करें। शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से स्ट्रांग बनने के लिए रोज़ाना मेडिटेशन योगा करने की आदत डालें। अगर आपको योगा या मेडिटेशन करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता है या आपको अच्छा ही नहीं लगता है करना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से बातें कीजिए, ये भी एक योगा की तरह ही काम करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि मेरी रोज़ की वीडियोज़ आपको शो होती रहे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।